दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका करियर प्लस चैनल में। आज है 1 दिसंबर, तो आज देखते हैं आज की जो प्रमुख खबरें वो कौन कौन सी हैं। कि इसमें जो लिखा हुआ है कि रिटायर्ड शिक्षक जो है 3,000 साथी बनने को तैयार नहीं, मतलब बात हो रही है इस समय जो 25 नवंबर इसमें थी आवेदन की अंतिम तिथि, किसी ने नहीं दिखाई रुचि। बेसिक शिक्षा विभाग को जो है चयन के लिए फिर से मांगा गया आवेदन। मतलब वही चीज़ क्या है कि जो रिटायरमेंट हो चुके हैं वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि जो है उनको सैलरी भी जो है इसमें 2500 रुपये मानदेय पर आपको मिलेंगे प्रति माह, तो इसलिए कोई इसमें जो है जाना नहीं चाहता। आप समझदार हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इनसे ज़्यादा तो इनको पेंशन मिल रही है, इसलिए कोई इसमें जो है खोपड़ी लड़ाई जाके, इसलिए उन्होंने कहा है कि जो है यहाँ पर कोई शिक्षक इसमें आवेदन नहीं कर रहा है। अपनी जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो काउंसलिंग के 1 माह बाद भी जो है नहीं मिल सकती है नियुक्ति, जो इसमें मिल सकी नियुक्ति, मतलब सीधी सी बात क्या, काउंसलिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, फिर भी जो है 1 महीना बीत चुका है, फिर भी इनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ जून में आया था रिजल्ट, अक्टूबर में हुई थी काउंसलिंग, अब बटने हैं नियुक्ति पत्र, तो नियुक्ति पत्र अभी तक बांटे नहीं गए हैं। तो बात और इसमें जो राजकीय इंटर कॉलेज में जो है एल्टीग्रेड TGT PGT प्रवक्ता वाली भर्ती में जो है अभी तक इनका रिजल्ट आ चुका था, पर इनको जो है जॉइनिंग लेटर नहीं बांटे गए थे। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, इसमें इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के अंतर्गत जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि महाविद्यालय के जो है विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं महाविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर भर्ती शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे लिखा गया ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, यहाँ से जाके अपना फॉर्म आप जो है भर सकते हैं। पुस्तकालय के अंतर्गत आपने देखा होगा पुस्तकालय जो अध्यक्ष होते हैं उसके पदों पर विज्ञापन आ चुका है। इसके तुरंत बाद जो है बाबू और चपरासी भर्ती आ रही है डिग्री कॉलेज में, है ना, डिग्री कॉलेज में, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में क्लर्क और जो चपरासी भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है। अब पुस्तकालय आप जानते हैं लैब असिस्टेंट जो होते हैं, तो लैब अध्यक्ष होते हैं जो होते हैं, उसके लिए जो है पुस्तकालय लाइब्रेरियन जो होते हैं उनका विज्ञापन जारी हो चुका है लाइब्रेरियन का। और डिग्री कॉलेज में जो है अब इसके बाद तुरंत जो है क्लर्क भर्ती और बाबू भर्ती आने वाली, इसलिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसी भर्ती आएगी तुरंत मैं अपने चैनल के माध्यम से तुरंत इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे KBS TGT PGT रिक्वायरमेंट, शिक्षण में कैरियर बनाने की जो है तैयारी में जुटे छात्र छात्राओं के लिए केंद्रीय विद्यालय में 13,000 पदों का मौका आ चुका है। अब केंद्रीय विद्यालय में आप क्या समझ रहे हैं कि इसमें शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक के 13,000 पद हैं। तो गैर शैक्षणिक आप जानते ही हैं, जैसे LDC होते हैं, क्लर्क होते हैं, बाबू हैं, चपरासी हैं, चौकीदार हैं, ये सब गैर शैक्षणिक में आते हैं। शैक्षणिक में जो आते हैं वो केवल टीचर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 13,000 पदों पर जो है और इसमें 13,404 पदों पर नियुक्ति के आवेदन की प्रक्रिया की घोषणा हो चुकी है। अब यहाँ पर लिखा गया इसमें जो है 1252 केंद्रीय विद्यालय आपको जो संगठन है KB के अंतर्गत जो है, और 5 दिसंबर से जो है इन सभी पदों पर 26 दिसंबर तक ऑनलाइन इसमें आवेदन किए जा सकते हैं। TGT PGT प्राइमरी संगीत के 11,000 जो है 627 पदों पर आवेदन हो चुके हैं। प्रिंसिपल के 247 इसमें आवेदन मांगे गए, 22 प्रिंसिपल के 210 इसमें आवेदन बताए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है ये। अपनी जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। वन रक्षक हो गया, क्षेत्र रक्षक हो गया और जेल प्रहरी के पदों पर विज्ञापन जारी हो चुका, 2112 पदों पर जो है ये बात हो रही है इसमें मध्य प्रदेश में। यदि आप उत्तर प्रदेश से भी निवास करते हैं तब भी आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें बताया गया एज लिमिट की बात करेंगे, 18 से इसमें जो न्यूनतम एज लिमिट है और 33 से 38 इसमें आपकी अधिकतम इसमें एज लिमिट बताई गई है। आपको आवेदन कैसे करना है इसकी आप नीचे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 फरवरी 2023 तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है, यहाँ से जाके अपना जो है फॉर्म आप जो है भर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार ने इसका विज्ञापन जारी हो चुका है, आप देख सकते हैं। बात करते हैं TGT PGT की। TGT PGT 2022 का जो है जब विज्ञापन आ चुका था तो उनकी डेट जो है अभी घोषित नहीं की गई, तो कल जो है कुछ लड़के वहाँ पे चयन बोर्ड पर गए थे, उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर तक यदि चयन बोर्ड का गठन नहीं होता है, परीक्षाओं का तारीखों का ऐलान नहीं होता है, तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर पोर्टल अगर नहीं खोला जाएगा तो जो है अब ना आदरणीय अध्यक्ष मोदी जी और ना ही डिप्टी सचिव जी से किसी से वार्तालाप करनी है, सीधी आर पार की लड़ाई करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद तुरंत जो है इसका जो है डेट घोषित करवाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं चयन बोर्ड से नहीं हटेंगे हम, और लिखा हुआ है कि अब तक जो है जब तक 22 विज्ञापन में जो है बढ़ाया नहीं जाएगा, विज्ञापन की संख्या बढ़ेगी नहीं। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बताया गया है।
अपने जो है नेक्स्ट अपडेट को आगे बढ़ते हैं। आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया, इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है 5 को जारी करेगा विज्ञापन। इसमें बात हो रही चिकित्सकों के जो विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उसमें 2300 पदों पर जो है होगी भर्तियां और विज्ञापन इसमें जो है। और यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक इसमें ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे और 2 जनवरी तक इसमें जो है आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं, ये इसके लिए बताया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आ चुका है इसके बारे में। चयन बोर्ड की तमाम खबरें हैं और तमाम खबरों में देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है इसमें प्रतीक्षा सूची से भरे जाएंगे शिक्षकों के जो है 1358 पद जो हैं। बात हो रही है इसमें सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय जो होते हैं उसके अंतर्गत इसके बताया गया है कि इसमें जो 1358 पदों पर जो है प्रतीक्षा सूची मतलब वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे, उसके बाद ही जो है उसको चयन कराया जाएगा। अपनी जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यदि आप किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हैं, अगर आप किसी भी जो है डिस्ट्रिक्ट से और चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और चाहे उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश, तब भी आप इसके अंदर फॉर्म जो है भर दीजिएगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। PCS के थ्रू जो है कहाँ कहाँ पर कितने कितने पद खाली हैं आप देख सकते हैं। बाल विकास अधिकारी हो गया और राज्य कर सहायक आयुक्त हो गया, इसके बाद जेल अधीक्षक हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं आबकारी अधिकारी हैं, कितने कितने पदों पर विज्ञापन आ चुका है आप देख सकते हैं PCS के थ्रू। और तो और यहाँ पर इसमें डेट भी घोषित कर दी गई प्री की एग्ज़ाम की, मेन की एग्ज़ाम की जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे कॉर्नर में देख लीजिए लिखा हुआ है कि ये जो है छत्तीसगढ़ के निवासी से कोई शुल्क नहीं होगा और अदर वालों से जो अदर स्टेट के, जब इसमें दे रखा है कि अदर राज्य वाले अन्य राज्य वाले के लिए जो 400 रुपये आवेदन शुल्क है, सबसे नीचे की लाइन आप देख लीजिए यहाँ पर ये 400 रुपये शुल्क। सीधी सी बात ये है, यदि अन्य राज्यों के लिए अगर नहीं होता तो विज्ञापन तो ये निकालते ही क्यों, अन्य राज्यों के लिए 400 रुपये क्यों ले रहे हैं। ये तो सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी तो आप उत्तर प्रदेश के निवासी तब भी आप इसके अंदर फॉर्म आप भर सकते हैं, बिहार से हो तब भी आप भर सकते हैं फॉर्म। बहुत से बच्चों कमेंट आ रहे हैं, सर एक बात बताइएगा चपरासी भर्ती जो आएगी वो 20,000 पदों पर आएगी या 22,000 पदों पर आएगी। तो मैं उनको एक बार दिखाना चाहूँगा कि बार बार कमेंट ना किया करें, एडेड स्कूलों में रखे जाएंगे 22,000 कर्मी। मतलब क्या 22,000 पदों पर जो है, यहाँ पर लिखेंगे 22,000 पदों पर जो है आउटसोर्सिंग से रखे जाएंगे कर्मचारी। तो सीधी सी बात यही है, अब क्लियर हो चुका है कि 22,000 पदों पर जो है चपरासी भर्ती आएगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यालय के अंतर्गत जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती जो है बहुत जल्द करने वाला है, आयोग की तरफ से होगा। साथ में ही आप देख सकते हैं अशासकीय विद्यालय के अंतर्गत ये भर्ती बताई गई है। यदि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई भर्ती है आपके हाथ से निकल ना जाए, कोई सूचना आपके हाथ से छूट ना जाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।